हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको केक सिखाने जा रही हूँ। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। सबसे पहले हम लोग को लगेंगे ये मेजरिंग कप्स, जो ये 8 होते हैं। ये आपको ये होगा 1 कप, ये 1 1/2, ये 1 1/3 एंड ये 1/4। इसी के हिसाब से ये 4 स्पून आते हैं। ये सबसे बड़ा ये टेबल स्पून, और ये 1 टीस्पून, ये हाफ, और ये 1/4। इस तरीके से आपको पहले मेजरिंग कप लेना है। ये जो है मैंने स्टील का लिया है, आपको प्लास्टिक में भी शॉप में मिल जाएगा। और जो केक बनाना चाहते हैं, जिनको केक बनाना है, अगर वो लोग को पता नहीं है बेकिंग शॉप कहाँ पे है, वो कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मुझे इनबॉक्स में मैसेज करते हैं कि हम लोग यहाँ से ये शहर से ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो मैम आप हमें बता दीजिए कि हमको ये बेकिंग का मटेरियल कहाँ पे मिलेगा। ओके, अगर जिनका मुझे इनबॉक्स में मैसेज आता है, मैं उनको उनके एरिया का शॉप का एड्रेस दे दूंगी। ओके ओके, मेजरिंग कप तो हो गया। अभी इसके बाद में लगेगा बटर पेपर। ये आपको किसी भी शॉप में या फिर बेकिंग शॉप में आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप किसी अलग शहर में सिटी में रहते हो, तो मुझे आप मैसेज करेंगे इनबॉक्स में, तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे मिलेगा। ओके, इसको हम लोग काटेंगे हमारे टिन के हिसाब से। जो ये टिन है, इसके नीचे के हिसाब से हमें इसको काटना है। अब आप देख सकते हो, टिन के हिसाब से मैंने बटर पेपर काट लिया है। ओके, और इसको इसमें इस तरीके से रखना है। हमें कोई भी ग्रीसिंग नहीं करनी, ओनली बटर पेपर जो है वो कट करके उसको हम लोग ने इसमें असेंबल कर दिया है। इसके बाद में हम लोग एक बाउल लेंगे, कोई भी बाउल चलेगा जो आपके पास अवेलेबल हो। ओके, जो मेजरिंग कप मैंने दिखाए थे, ये मेरे पास मैदा नहीं है, ये है वैनिला का प्रीमिक्स। ठीक है, ये जो वैनिला का प्रीमिक्स है, ये हम लोग प्रॉपरली 1 कप लेंगे। सबसे पहले अभी आप बोलेंगे प्रीमिक्स से आप केक बना रहे हो। हाँ, एक्चुअली जो मार्केट में केक मिलते हैं, ये सारे प्रीमिक्स से ही बनते हैं। अगर आपको स्क्रैच रेसिपी चाहिए, तो मैंने पहले यूट्यूब पे उसको अपलोड किया है, वो आप देख सकते हो। लेकिन जो मैं केक आपको दिखाऊंगी, जो आप बेच सकते हो, जिससे आप बिजनेस कर सकते हो, ये सारे प्रीमिक्स से ही बनते हैं। ये जो 1 कप प्रीमिक्स है, इसमें आपका 1/2 kg केक बन जाएगा, कोई भी वैनिला का। ओके, अब इसी में जाएगा 1 टेबल स्पून, आप देख सकते हो ये टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून कोई भी खाने का ऑयल। एकदम सिंपल मेथड है। जो टीस्पून और टेबलस्पून मैंने आपको दिखाए थे, ये इसी काम के लिए यूज़ होंगे। आपको लेना है 1/2 कप पानी, नॉर्मल वाटर। आप देख सकते हो मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया था, उसके बाद में 1/2 कप पानी। ये पानी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसमें डालेंगे और एक नॉर्मल बैटर बना लेंगे। पानी एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके बैटर का फ्लो होना चाहिए। आप अगर 1 कप प्रीमिक्स में 1/2 कप पानी डालते हो और 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हो, ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी आती है। इसमें आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हम लोग का वैनिला का बैटर बन गया। इसे अभी हम लोग बेकिंग के लिए रखेंगे। अब मैं क्या करूँगी, जो बटर पेपर मैंने लगाया था टिन में, वो वैसे के वैसा ही है। मैंने कुछ भी ग्रीसिंग नहीं किया है, और ये जो बैटर है, इसको डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग डाल देंगे। आप देख सकते हो ये बैटर मैंने डाला, थोड़ा सा टैप किया। जो स्पून मैंने यूज़ किए, वो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। ये आपको लगेंगे कोई भी रेसिपी के लिए आपको ये स्पून लेने ज़रूरी है। उसके बाद में ये जो टिन है, ये 8 इंच का है, इसमें 1/2 किलो केक बन जाएगा। ओके, अभी इसको हम लोग गैस पे रखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगी गैस में कैसे बनाना है इस बेस को। और आज मैंने आपको बैटर बनाना सिखाया है, और कल मैं आपको सिखाऊंगी आइसिंग। हमारे 30 मिनट ख़त्म हो चुके हैं, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। ओके, अब मैं इसको खोलूँगी, और आप देख सकते हो
मैंने आपके सामने इसको खोला है और आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये बेस रेडी हुआ है। ये मैंने गैस में से उतार लिया नीचे, और कोई भी फोक या फिर स्पून कुछ भी डाल के आप इस तरीके से इसको चेक कर लीजिए। हमारा वैनिला का बेस प्रॉपरली रेडी है। जो आज मैंने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।